दिल्ली के डियर पार्क में अब तक H5N8 वायरल से 43 पक्षियों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 10 बतख की मौत के बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू से मरने वाले पक्षियों की संख्या 58 हो गई है। इस मामले पर दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को DDA के अधिकारियों और एक्सपर्ट डॉक्टरों के साथ मीटिंग की, जिसमें डियर पार्क में एंटीवायरस ऑपरेशन चलाने का फैसला लिया गया। इसके अलावा गाजीपुर के मुर्गा मंडी में निगरानी के लिए 15 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। कमेटी में मंडी के अधिकारी, डॉक्टर और व्यापारी शामिल होंगे। JNU के छात्र विक्रांत कुमार ने भी लापता छात्र नजीब अहमद के खिलाफ घटना से एक दिन बाद यानी 15 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को की गई शिकायत में विक्रांत ने नजीब पर हमला करने का आरोप लगाया था। मैं सेक्रेटरी चुनाव के प्रचार के दौरान विक्रांत से नजीब का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से नजीब लापता है। दिल्ली के कनॉट प्लेस में खादी ग्रामोद्योग के आउटलेट में एक दिन में 1,08,00,000 की रिकॉर्ड बिक्री हुई। पिछले साल 2 अक्टूबर को 82,05,000 रुपए की बिक्री हुई थी। KVIC के चेयरमैन VK सक्सेना के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 अक्टूबर को लुधियाना में लोगों से खादी अपनाने की अपील की थी, जिसकी वजह से बिक्री काफी बढ़ गई है। खादी को सपोर्ट करने के लिए KVIC के चेयरमैन ने PM मोदी का धन्यवाद किया, साथ ही खादी अपनाने वाले लोगों को शुक्रिया कहा। दिल्ली सरकार प्रदूषण और खर्चे को लेकर अपना एक्शन प्लान जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित मंत्रियों को इस मसले का जल्द हल निकालने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रदूषण और कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार कई एजेंसियों की मदद लेगी। बैठक में ऑड इवन पर लोगों की मदद से सकारात्मक सोच के साथ उठाए जाने वाले कदम पर भी चर्चा हुई। दिल्ली पुलिस ने फोन झपटने वाली एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके आसपास मोबाइल झपटने वाली इस महिला की दहशत थी। पुलिस के मुताबिक इसी काम में सवार 30 साल की महिला अपने साथी नीरज के साथ अपने शिकार की तलाश करती थी और पलक झपकते ही उसका मोबाइल फोन लेकर फरार हो जाती थी। MNS अध्यक्ष राज ठाकरे पर बॉलीवुड अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने निशाना साधा है। ट्विंकल ने करण जौहर से 5 करोड़ रुपए सेना वेलफेयर फंड में जमा करने को एक्सट्रॉक्शन मांगने जैसा बताया है। ट्विंकल ने सियासी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा कि फिल्म वालों को धमकाने के बजाय वो सेना के परिवार वालों की वेलफेयर के लिए खुद व्यवस्था करें। ट्विंकल का ये लेख एक अंग्रेजी अखबार में छपा है। करण जौहर की फिल्म को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने MNS अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधा है। उद्धव ने कहा कि भारतीय सेना का खुद का स्वाभिमान है, इसीलिए सेना को फिरौती के पैसे नहीं चाहिए, मदद करनी है तो दिल से करो। राज ठाकरे और CM फडणवीस के बीच बचाव के बाद करण जौहर की फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म की कमाई में से करण सैनिक कल्याण के लिए 5 करोड़ रुपए देंगे। मुंबई के पास पालघर में मराठा मोर्चा निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। मराठा क्रांति मुख मोर्चे में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से लोग आए थे। मराठा समाज आरक्षण की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में कई जगह मोर्चा निकाला जा चुका है। मुंबई में डेंगू से पिछले 3 साल में 21 लोगों की मौत हुई है। RTI कार्यकर्ता अनिल गलगली ने RTI के जरिए जानकारी मांगी थी, जिसमें ये बात सामने आई है। DMC के हेल्थ डिपार्टमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल डेंगू के करीब 994 मरीज सामने आए हैं। अंधेरी विरार के लिए अतिरिक्त लोकल ट्रेनें चलाने की तैयारी है, लेकिन इस योजना में करीब 6 महीने का वक्त लग सकता है। अंधेरी विरार के स्टेशनों पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के बाद ये फैसला लिया गया है। पिछले साल 10 अक्टूबर से वेस्टर्न रेलवे उपनगरीय रूट पर ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसमें और ट्रेनें जोड़ने की योजना है।